श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लापता होए पावन स्वरूप दे मामले विच गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने जांच रिपोर्ट नूं जनतक करन दी कई गल कई कर्मचारियों ते अधिकारियों नूं पाया दोषी। वीकेंड लॉकडाउन ते प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने खड़े कीते सवाल, क्या दुकाना बंद करना किसी भी रूप विच सही नहीं। अते बठिंडा विच इक अकाली लीडर दा गोलियां मार के कीता कत्ल, चोणां नूं लैके अकाली नेता दी चल रही सी रंजिश। दैनिक सवेरा देख रहे देश विदेश दे दर्शकों का स्वागत, न्यूज़ रूम तो मैं रचना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता होए पावन स्वरूप के मामले में SGPC की अंतरिंग मीटिंग बुलाई गई, जिस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने जांच रिपोर्ट नूं जनतक करन लई कहा सी, जिस विच कई कर्मचारियों गुरुद्वारा प्रबंधकों खिलाफ गैर जिम्मेराना रवैये तहत कार्रवाई की गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की मीटिंग की गई है और जिदे विच बहुत अहम फैसले जड़े ने वो ले गए ने। जिस तरह 28 सितंबर नूं जो बजट अजलास जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पिछले काफ़ी समय तो जिहड़ा असी पास नहीं कर सके, हर 3 महीनों के बाद खर्चे के जिहड़े असी पास करते सी वो सरकार तो मंजूरी लैके जिहड़ा असी बजट अजलास जिहड़ा 28 सितंबर नूं करांगे। इस तरह पिछले समय दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कुछ कर्मचारियों वालों बेनिजमियां अते गैर जिम्मेवाराना ढंग नाल ड्यूटियां कीतियां गईयां, जिस कारण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं चिंताजनक हालतों का सामना करना पै रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपां संबंधी रिकॉर्ड विच वाधे घाटे के कारण मंदभागी चर्चा जिहड़ी है वह चल रही है। मैं महसूस करता हाँ कि इस दे कारण समुचे गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां दे मन नूं बड़ी भारी ठेस पहुँची है, जिस लई मैं जाति तौर पर निम्रता सहित समुचियां सिख संगतां तों खिमां दा जाचकां। मैं समूह सिख संगतां नूं विश्वास दिवाउंदा हाँ कि इस समय दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधा दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप ना गायब होया, ना ही किसी तरह की कोई बेअदबी हुई है। केवल कुछ संबंधित कर्मचारियों वालों जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप संगतां नूं दे दित्ते जांदे रहे वो लालच बस उसकी भेटा जमा नहीं कराई गई अते उसनूं रिकॉर्ड विच दर्ज नहीं किया गया, सगों अपने निजी हितों लिए वरतते रहे, जिहदा जिक्र जांच कमिशन की रिपोर्ट विच भी सामने आया जो कि रिपोर्ट विच दर्ज है। मैं संगतां नूं विश्वास दिवाउंदा हाँ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस उद्देश नूं मुख रख के होंद विच आई सी उस सोच दे पहरा दिंदियां बेनिजमियां करन वाले कर्मचारियों नूं श्रोमणी कमेटी दे एक्ट अधीन अदारे विच रहिंदियां पंथक परंपरावां ते रवायतां दे अनुकूल सख्त सज़ा देंगे अते यकीनी बनावांगे कोई भी कर्मचारी अगे तो इहो जी जुरत ना कर सके कि अंतर कमेटी इस गल की धारनी है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहिब के कामकाज विच किसी नूं भी दखल की आग्या नहीं दिंदी, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कजाज हस्ती है अते अपने आप विच फैसले लैण दे समर्थ है। इस वरतारे कारण खालसा पंथ नूं पीड़ां विचों गुजरना पै रहा है। असी इस पीड़ा नूं महसूस करदे होए बहुत सारे विद्वानां महापुरखां धार्मिक जथेबंदियां अते कमेटियां वल्लों दित्ते विचारां नूं अमल विच लिआउण दा पुरचोर जतन करांगे। अज डॉक्टर ईसर सिंह दी जांच कमिशन दी रिपोर्ट जी और जनतक कर दिती गई है तां जो सिख संगतां तक पूरी सच्चाई पहुँच सके। ये जांच रिपोर्ट SGPC दे वैबसाइट ते भी पा दिती जाएगी। सानू अफसोस है कि पिछले कुछ दिनों तो कुछ जथेबंदियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे इस नाजुक मामले ते नीवें पद्धर दी सियासत कर रही ने।
असी यकीन दवाते हाँ कि श्री अकाल तख्त साहब वालों नियुक्त जांच कमीशन की रिपोर्ट विच प्रबंध संबंधी जो कमियां पेशियां वल संकेत दिता गया उन्हां त्रुटियां नूं दूर किया जाएगा ता कि अगे तो इस प्रबंध नूं होर वधेरे सुचारू ढंग नाल चलाया जा सके। इस नाल संबंधित किसी भी दोषी नूं बख्शिया नहीं जाएगा। यह भी फैसला लिया है कि अज मौजूदा अहुदेदार अंतर कमेटी के मैंबर साहबान श्री अकाल तख्त साहब के 18 सितंबर को सन्मुख हो के अपनी खिमा जाचना करेंगे। मैं ये भी बेनती करांगा कि जिहड़े जांच कमेटी के विच साडे मुलाजम जिहड़े आए ने और उन्होंने भी श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते पेश हो के अपनियां गलतियां बयान करनियां चाहिए ने। गुरु के सन्मुख हो के हाजर नाल समझ के अपनी सच्चाई है जिहड़ी ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ। ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਧਨ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਉ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਉ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਆ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੰਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਕੌਣ ਔਰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
बीते दिन एक वीडियो वायरल हुई सी जिस विच एक पुलिस कर्मी शराब नू करोना दी दवाई दस रहा है ते इस व्यक्ति ते कार्रवाई करते हुए सीपी राकेश अग्रवाल ने दस्या कि इस व्यक्ति दा पुलिस नाल कोई संबंध नहीं है। ये व्यक्ति रंगमंच दा कलाकार है ते इस व्यक्ति ने माफी भी मांग ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अगे दी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुलवंत सिंह ढिल्लों वासी MIG फ्लैट सैक्टर 32 लुधियाना दा रहण वाला हां। मैं रंगमंच कलाकार हाँ ते लोगों नूं छोटी छोटी क्लिप बना के पोस्ट करता रहिंदा हां। मेरे वालों पुलिस इंस्पैक्टर की यूनिफॉर्म विच एक करोना वीडियो बना के सोशल मीडिया से पोस्ट कर दी गई सी कि करोना का इलाज शराब ही है। इस बारे मैं कहना चाहता हाँ मैं छोटा जिहा कलाकार हाँ। मेरी मनसा किसी पुलिस मुलाजम या किसी डॉक्टर जो करोना का इलाज कर रहे हैं उन्होंने बदनाम करने की नहीं सी। मेरे वालों पुलिस के किरदार नूं हसमुख बनाने लई क्लिप बनाया गया सी जिस विच करोना की दवाई शराब दस्या गया है। मैनूं बहुत अफसोस है ये तत्थां तों परे है हासे मजाक शराब नूं करोना का इलाज दस्या गया सी। मैं सारिआं नूं अपील करदा हाँ कि करोना का इलाज केवल मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग रख के सरकार दीआं करोना दीआं हदायतां दा पालना करके ही हो सकता है। समुची पंजाब पुलिस बड़ा मुस्तैदी नाल अपना अहम रोल निभा रही है। मेरी सारिआं नूं अपील है इस बीमारी इस भयानक बीमारी तों बचण लई आपां पंजाब पुलिस दा साथ दईए। एक कल सोशल मीडिया के उपर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिस एक पुलिस की इंस्पैक्टर की वर्दी पाके एक बंदा कह रहा कि मेरे को कोरोना का इलाज है ते वो फिर वीडियो दे विच अपनी पॉकेट दे विचों एक शराब की बोतल कढ़दा है ते कहिंदा है कि यह कोरोना का इलाज है। उस वीडियो की असी पड़ताल की थी ते पता लग्या कि यह जिहड़ा वीडियो दे विच बंदा है यह पुलिस का मुलाजम नहीं है। यह एक प्राइवेट बंदा है जो कि छोटा मोटा अपना नाटक वगैरह दे विच काम करता सी। ये एंड इस बंदे नूं कुलवंत सिंह ढिल्लों नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इहदे उपर असी FIR दर्ज कीती है र्यूमर्स फैलाण दी पुलिस दी वर्दी दा मिसयूज करन दी एंड लोकां नूं गुमराह करन दी। मेरी लोकां नूं इही अपील है कि कोई भी वीडियो जदों उन्हां तक पहुंचदी है उहदा सोर्स जरूर पता करन क्योंकि अजकल बंदे फ्री वेले ज्यादा हो गए हैं कोई ना कोई खुराफाती उन्हां दा दिमाग काम करता रहिंदा है ते इह अपने बाद दे विच कोई परेशानी आवे उन्हां नूं लीगल प्रॉब्लम आवे उस तों बचण लई लोकां नूं भी इही अपील है कि इस तरीके की गुमराह करने वाली वीडियो पब्लिक तक गलत वीडियो पाके उन्होंने गुमराह ना किया जाए। भारत लई एक वड्डी राहत की खबर है जिथे लगातार करोना मरीजों का अंकड़ा वाधा जा रहा है उथे ही करोना तो ठीक होने वालों की तादाद च भी वाधा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 70,000 तो वधेरे करोना मरीज ठीक होके घर वापस जा चुके ने। दस दईए कि यह पहली बार है कि इन्ने ज्यादा मरीजों नूं एक दिन अंदर डिस्चार्ज किया गया है। हुण तक भारत च 31,80,000 करोना मरीज ठीक हो चुके ने। इस दे नाल ही तुहानू दस दईए कि देश च करोना मरीजा दा कुल अंकड़ा 41,00,000 तो पार हो गया है। पर भारत लई इह इक वड्डी राहत दी खबर है जिथे लगातार करोना मरीजा दा अंकड़ा वधदा जा रहा है उथे ही करोना तो ठीक होण वालियां दी तादाद विच वी वाधा हो गया है। पिछले 24 घंटिया दे अंदर 70,000 तो वध करोना मरीज ठीक होके घर वापस परत चुके ने। जलंधर दे नकोदर चौंक च एक दर्दनाक सड़क हादसा वापरिया। जानकारी मुताबक एक तेज रफ्तार गड्डी डिवाइडर नाल जा टकराई ते फिर पलट के दूजी गड्डी विच टकरा गई जिस तो बाद 3 नौजवानों चो 2 दी मौके ते मौत हो गई अते जख्मी नूं हस्पताल विच दाखिल करवा दिता गया है। असी इस वेले मौजूद हाँ जलंधर नकोदर रोड के उ जिथे राती एक वड्डा हादसा वापरिया है। दसिया जा रहा है कि इस हादसे दे विच 2 नौजवान मुंडिया की मौत भी हो चुकी हुई है। ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि इस गड्डी दे विच लगभग 3 लोग सवार सन जिन्हां चों 2 दी मौत हो चुकी हुई है। मिली जानकारी मुताबिक जेकर आपां गल करिए इस सड़क दे उत्ते जलंधर नकोदर रोड दे उत्ते पहले गड्डी उस डिवाइडर दे विच जा टकराई ते उस डिवाइडर दे बाद जा टकरान तो बाद इत्थे एक गड्डी होर खड़ी सी जिस दे विच गड्डी आके टकराई है ते पलटी खा के जिहड़ी गड्डी है ओह सड़क दे किनारे जा डिगी जिस दे विच 2 नौजवान मुंडिया दी मौत हो गई है जो कि जलंधर दे ही निवासी दसे जा रहे ने। तुहानू एक वारी फिर दस दिए कि ये जलंधर नकोदर रोड हैगी है जिथे ये हादसा वापरिया है ते बहुत ही भयानक
जिहड़ा हादसा नज़र आ रहा जे आप गल करिए जिस हिसाब नाल गड्डी जिहड़ी है तुसीं डैमेज देख सकते हो गड्डी दा गड्डी दे पूरे तरीके दे नाल जिहड़ा है टुट चुकी हुई है गड्डी फिर गल करिए पूरी गड्डी दी तां पूरी गड्डी जिहड़ी है टोटल तरीके नाल डैमेज हो चुकी हुई है जिहड़ा खून है वह भी सड़क खिल रहा दिखाया दिखता पाया है ज इस ना साफ जिहड़ा पता लगता है कि किस तरीके दे नाल किन्ने भयानक जिहड़ा हादसा है ए इस जदन को रोड के उत्ते वापरिया। तुहानू फिर दस दिए कि इस हादसे के विच दो नौजवान मुंडिया की मौत हो चुकी हुई है ते दोनों ही जलंधर के निवासी सन। ते सन हुण तक दीआं खबरां मैनूं रचना नूं दिओ इजाजत होर वधेरे जानकारी लई वेखदे रहो दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम।